Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the lesson Women's Education written by Sarvapalli Radhakrishnan. Today I shall take its third part. Now, the third part is as follows. Every time we start, we use our hymns and end with saying Shanti hi, Shanti hi, Shanti hi. The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other. इस सेंटेंस का अर्थ है, प्रत्येक बार जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और यह कहते हुए समाप्त करते हैं शांति ही, शांति ही, शांति ही। गुरु एवं शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा से बचते रहेंगे। यानी जब भी कभी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं और उसको संपन्न करते हैं तो अंत में हम तीन बार शांति ही, शांति ही, शांति ही का उच्चारण करते हैं। तीन बार शांति कहने का अर्थ ये है कि पहला जो शब्द शांति है वो हम अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा मन, हमारी बुद्धि शांत रहे ताकि हम आगे के कार्य करने में अपने आप को समर्थ महसूस करें। दूसरा है शांति। दूसरे शांति का अर्थ होता है कि हम अपने चारों ओर शांति का वातावरण बनाए रखें। और तीसरे शांति का अर्थ होता है कि पूरे विश्व में हम ऐसे कार्य करते चलें जिससे पूरे विश्व में शांति बनी रहे। और इसमें लेखक ने यह भी कहने का प्रयास किया है कि कभी भी कोई भी गुरु और शिष्य हो उसके बीच में किसी भी प्रकार से आपस में घृणा की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता अत्यंत पवित्र रिश्ता होता है। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। आई रेड रिसेंटली अ बुक which speaks about the decline of womanhood and says that this is so because there is a decline in compassion. In other words, the natural quality of women is compassion. If you do not have compassion, you are not human. It is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. Without these qualities, we are only human animals, narpashu, not more than that. Daya ek aisa gun hai jo purushon ki apeksha mahilaon mein vishesh roop se hota hai. यानी ऐसा माना जाता है कि महिलाएं ज़्यादा दयावान होती हैं पुरुषों के अपेक्षाकृत। अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी जो स्त्रीत्व के ह्रास के बारे में बताती है तथा कहती है कि यह इसलिए है क्योंकि दया का ह्रास हुआ है। अब इस लाइन में लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई एक ऐसी पुस्तक पढ़ी जिसमें उन्होंने ऐसा पढ़ा कि
आजकल नारीत्व का जो रूप है वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, और उसका कारण क्या है कि दया की भावना की कमी होती जा रही है। अब आप सोचेंगे कि नारीत्व की भावना कैसे घट रही है। देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी करने के लिए पुरुषों की तरह वेशभूषा बनाना चाहती हैं, पुरुषों की तरह बातें करना चाहती हैं, और पुरुषों की तरह ही अपने विचार धारण करती हैं, जो कि लेखक के अनुसार उचित नहीं है। आपको यदि ईश्वर ने इस संसार में महिला रूप में भेजा है, स्त्री रूप में भेजा है, तो आप उसी में अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। स्त्री रहकर आप अपने ताकत को दिखाने का प्रयास करें। स्त्री रहकर आप अपनी विशेषता को समाज के सामने रखें। ये नहीं कि यदि आपको पुरुषों की बराबरी करना है तो आप पुरुषों की नकल कर। तो जब ऐसा करते हैं, बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कियां या बहुत सारे पेरेंट्स शुरू से ही उन्हें ये चाह होती है, हिंदू धर्म में तो विशेष करके ये चाह होती है कि मेरे घर में बेटा हो, यदि बेटा नहीं है तो बेटी को ही बेटों जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, बेटों जैसे बाल बनाए जाते हैं, उनको बेटों की तरह तैयार किया जाता है और बेटों जैसी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या बाहरी आवरण से फर्क पड़ता है? अवश्य फर्क पड़ता है। और वो फर्क क्या होता है कि स्त्री पुरुष के बराबर पहुंचती है या नहीं, ये तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ स्त्रियों के या कुछ लड़कियों के जो गुण हैं वो उसमें से समाप्त होने लगते हैं। देखा होगा कि उस तरह व्यवहार करते करते चेहरा और चेहरे के हाव भाव भी पुरुषों जैसे बनने लगते हैं। तो लेखक का ये कहना है कि क्योंकि दया का ह्रास हो रहा है, इसलिए स्त्री जो हैं वो कम दया दिखाने लगी हैं, क्योंकि वो पुरुषों की बराबरी करने लगी। दूसरे शब्दों में, स्त्री का स्वाभाविक गुण दया है। यदि आप में दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि दया की भावना जो है मनुष्य का गुण होता है। तो मनुष्य के अंदर यदि दया की भावना नहीं है तो वो मानव कहलाने लायक नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए अच्छी बातों का एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना एवं दया का विकास करना आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में हम केवल नर पशु हैं और इससे अधिक कुछ नहीं है। यानी यदि हमारे अंदर दया की भावना नहीं है तो हम मनुष्य तो हैं लेकिन मनुष्य रूपी पशु हैं, जानवर। तो इसलिए दया की भावना अपने अंदर रखना परम आवश्यक है। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस, संसार विष वृक्षस्य। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी, दे आर द स्टडी ऑफ आर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड मैंस माइंड्स एंड हार्ट्स। I am anxious that our great classics should be studied, the classics of all countries of which we are the inheritors. It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put,
which constitutes the essence of good life. What constitutes the essence of good life? This is a question. And the teacher replies, "Didn't you hear the answer?" There was a thunderclap, da, da, da. Immediately, the teacher explained that these were the essence of good life. Dhamma, Dana, Daya. They constitute the essentials of the good life. You must have Dhamma or self-control, restraint, which is the mark of a human being. In the Ramayana, when Lakshmana sets out for the forest, his mother tells him, "Look upon Rama as your father, Dashrath. Look upon Sita as myself, as your mother. Look upon the forest as Ayodhya. Go, my dear." एक प्रसिद्ध श्लोक है संसार विष वृक्षस्य, जो हमें बताता है कि संसार विष का वृक्ष है। इस अपूर्ण संसार में अनुपम गुणों से युक्त दो फल होते हैं। ये हैं अपने महान ग्रंथों का अध्ययन तथा महान विद्वानों का सत्संग। ये दो बातें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क एवं हृदयों को परिवर्तित कर सकती है। मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का, बल्कि सभी देशों के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। एक उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक प्रश्न किया गया है, एक अच्छे जीवन का सार क्या है? तो इस पर गुरु उत्तर देता है, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? बिजली की गड़गड़ाहट हुई, दा दा दा। गुरु ने तुरंत स्पष्ट किया कि यही अच्छे जीवन के तत्व हैं, दम, दान, दया। यही एक अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। तुम्हारे पास दम अर्थात आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण संयम होना चाहिए, जो मानव प्राणी का लक्षण है। रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए चलते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती हैं, राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना, सीता को मेरे अपनी माँ के समान मानना, जंगल को अयोध्या के समान मानना, मेरे प्रिय जाओ। कहने का आशय ये है कि इस ये जो पूरा संसार है, ये एक विष के वृक्ष के समान है, और यहाँ पर दो ऐसे फल हैं जिनको यदि आप धारण करें तो आप अपना जीवन का निर्वहन बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। पहला है महान ग्रंथों का अध्ययन करना, वो एक फल देता है, और दूसरा है विद्वानों का सत्संग। कहा भी जाता है कि अच्छे लोगों की संगत करिए ताकि आपका हृदय, आपकी बुद्धि अच्छी हो। तो जो ग्रंथ हैं वो भी आपको अच्छी दिशा में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें सिखाते हैं जीवन जीने के लिए। और अच्छे लोग जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अच्छा ज्ञान आपको देते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं। और एक उपनिषद में एक प्रश्न आया है कि एक अच्छे जीवन का सार क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर में टीचर बताते हैं कि तीन द पाए जाते हैं। यदि तीन द को हम अपने जीवन में ले आएं, धारण कर लें, तो हमारा जीवन अपने आप
अच्छा बन जाता है। पहला है दम, दूसरा है दान और तीसरा है दया। तो यदि आप के अंदर दम यानी आत्मनियंत्रण है, आपके अंदर संयम है, तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। दूसरा, यदि आपके अंदर दान करने की भावना है यानी अपने से पहले दूसरों का सुख देखने की भावना है, तो भी आप बहुत अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। और तीसरा, दया। दया एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर ने दिया होता है, पर आप उसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे इस संसार में, इस समाज में, ये आप पर निर्भर करता है। तो यदि आप दया दिखाते हैं संसार के लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति, तो क्या होगा कि आप जीवन में सबसे अच्छे मानव के रूप में सामने आएंगे। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर आत्मनियंत्रण, दान और दया, ये तीनों भावनाएं बहुत अच्छी तरह से डेवलप करनी चाहिए। लक्ष्मण के वन जाते समय उनकी माँ ने, जैसा कि रामायण में लिखा है, वो कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम वन तो जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर मेरी तीन बातों का विशेष ध्यान रखना। पहला, अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ समान मानना, अपने माता सीता को मेरी तरह यानी एक माता की तरह मानना, और जो पूरे वन है उस वन को अयोध्या समझना। यदि तुम ऐसा कर पाए तो तुम बहुत अच्छी तरह से अपने वनवास को काट सकोगे। और इन तीन बातों को याद रखकर अब तुम वन की ओर प्रस्थान करो। तो बच्चों, ये था आज के पैराग्राफ्स जिसमें आपको ये बताया गया कि पहली बात तो महिला शिक्षा के तरफ केंद्रित किया गया कि महिलाओं से समाज क्या अपेक्षा करता है, या एक महिला को इस संसार में जीने के लिए किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या व्यवहारित रहना चाहिए। दूसरा बताया गया कि ये संसार कैसा है और उस संसार में जीने के लिए आपको अपने आप को किस प्रकार से तैयार करना है। तो यदि आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, अपने ग्रंथों, अपने या किसी भी देश के ग्रंथों का यदि अध्ययन करेंगे और अच्छे लोगों की संगत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। और क्यों? क्योंकि आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा अच्छे जीवन को जीने का। तो इस वजह से आप भली प्रकार से जानते रहेंगे कि आपको समाज में कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से